यस हेलो लवली किड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेंस ऑर्गन्स। आई थिंक यू हैव ऑलरेडी नो अबाउट सेंस ऑर्गन। यस हियर आर द पिक्चर्स ऑफ सेंस ऑर्गन। डू यू नो अबाउट आईज, ear, nose, tongue and skin? These are our sense organs. आप बेटा इसको पहले से भी जान रहे हैं। Yes, we have five sense organs. अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पास कितने sense organs हैं? How many sense organs do you have? आपके पास कितने sense organs होते हैं? तो आपका आंसर होता है क्या होगा? फाइव सेंस ऑर्गन्स। नाउ आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन, ये हमारा क्या हुआ, इसका नाम क्या है? सेंस ऑर्गन्स। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा व्हाट इज सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन क्या है? द ऑर्गन विच हेल्प अस टू सेंस एंड अंडरस्टैंड द थिंग्स दैट आर प्रेजेंट अराउंड अस, दैट इज कॉल्ड सेंस ऑर्गन्स। ओके, सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल, जब कोई वस्तु बेटा आपको देखने की बारी आती है तो हम देखते हैं कैसे, किस सेंस ऑर्गन का काम यूज करते हैं? आईज, आईज आंख, आंख से आप जितनी भी वस्तु होता है वो सारी वस्तुओं को देख सकते हैं। जैसे सपोज दैट बेटा आप अपनी आंख को क्लोज कीजिए, बंद कीजिए और अब आप देखने का प्रयास करो, कोशिश करो, आपको सामने की कोई कहीं की कोई वस्तु दिखाई पड़ रही है, आपका आंसर क्या होगा? नो, ओपन योर आईज, खोल लिए। अब बेटा आपको वस्तु चीजें दिखाई पड़ रही है, मुझे लगता है कि हमारे बच्चे सामने होते तो वो जवाब देते हैं कि यस मैम अब मुझे दिखाई पड़ रही है। दैट मीन्स कि वी कैन सी एनी थिंग विद द हेल्प ऑफ आईज, जितनी भी वस्तु हम लोग देखते हैं तो वो किसकी सहायता से? आंख की सहायता से। अगर हम अपनी आंख को बंद कर लें तो हम कोई भी चीज को नहीं देख सकते हैं। यस, तो इट इज वेरी प्रीसियस ऑर्गेन ऑफ आवर बॉडी दैट हेल्प अस टू सी डिफरेंट थिंग्स, जितने भी वस्तु है उसको हम देखते हैं। सी, सी मीन्स देखना, तो हम देखते हैं किसे? आंख से। और यह बहुत प्रीसियस, बहुत कीमती हमारा ऑर्गन है। अगर हम आंख को, आप अपने घर में हैं, आप अपनी आंख को बंद कर लीजिए कुछ सेकंड के लिए और देखो, कल्पना करो, इमेजिन करो कि क्या आप अपने रूम की सारी वस्तुओं को देख रहे हो, तो आपका आंसर होगा नो, वी कैन नॉट सी एनीथिंग विदाउट आईज, हम बिना आंख का कोई भी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। यस, तो आईज जो है ये हमारा सेंस ऑर्गन है और ये सेंस देता है किसका? देखने का, जितनी भी वस्तु है उसको देखते हैं किससे? आईज से, जानते हैं। ये बहुत कॉमन है, सिंपल है और इसको जस्ट पढ़ने के बाद हाँ, आप आसानी से समझ जाओगे कि जैसे ही आप अपनी आंख की बंद करो और आपके सामने वस्तु कुछ नहीं दिखाई पड़ रही है। नेक्स्ट ईयर, ईयर, ईयर हेल्प अस टू हियर। हियर मीन्स सुनना, हियर मीन्स सुनना। अब कान को बंद कर लीजिए दोनों हाथ से और कोई भी साउंड आपके घर में आ रहा होगा, आपको वो साउंड
नहीं आएगी, नहीं सुनाई पड़ेगी। और कान को ओपन करो, अब सारी जो हमारे आसपास की साउंड है वो सुनाई पड़ रही है। तो दैट मीन कि हम लोग जितने भी साउंड, डिफरेंट साउंड हियर कर सकते हैं, सुन सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ईयर। यस, जितनी भी तरह के, अब ये साउंड दो तरह का होता है, लाउड साउंड, लाउड का मतलब तेज, लाउड मीन्स तेज। सपोज दैट कि बहुत जहां चार माइक लगा दिया जाता है वहां का साउंड कैसा होता है, बहुत तेज, वहां तुम जल्दी से अपना कान को ढक लेते हो। तो हमें लाउड साउंड से अपने कान को बचाना चाहिए। और जब आपकी एक अच्छी म्यूजिक चलती है तो हम लोग को क्या लगता है, मजा आता है सुनने में, मन लगता है, वहां एंजॉय करते हैं। तो दैट मीन यह है प्लीजेंट साउंड। लाउड साउंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड अनप्लीजेंट साउंड, जो हमें नहीं अच्छा लगता है, पसंद नहीं है, तो दैट मीन अनप्लीजेंट। दो शब्द हो गया बेटा, प्लीजेंट और उसका दूसरा अनप्लीजेंट, अपोजिट वर्ड भी जान गए, प्लीजेंट का अपोजिट अनप्लीजेंट और अनप्लीजेंट का अपोजिट प्लीजेंट। प्लीजेंट दैट मीन यू लाइक इट, जिसको हम लोग पसंद करते हैं। जो सपोज दैट आपकी पसंद की म्यूजिक चलती है तो ये हो गया प्लीजेंट साउंड। चिड़िया चुहचुहाती है, बर्ड जो चिपिंग करती है तो वो हो गया प्लीजेंट साउंड। और बादल गरज आवाज करता है, अभी जब भी बारिश के दिनों में बिजली तड़कती है तो वो कौन सा साउंड हुआ, लाउड साउंड। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड अनप्लीजेंट साउंड। पटाखे, दीपावली के अवसर पर बहुत सारे लोग शादी में पटाखे जलाते हैं, बहुत सारे क्रैकर्स को एक बार जला देते हैं और बहुत तेज आवाजें निकलती है, तो इस आवाज को हम लोग कहते हैं क्या चीज, अनप्लीजेंट। और जल्दी से हम वहां क्या करते हैं, कान को ढक लेते हैं। दैट मीन कि वो अनप्लीजेंट साउंड जो है वो हमारे कान को हार्म पहुंचा सकता है, इसलिए जब बहुत तेज आवाज हो तो वहां हमें अपने कान को ढक लेना चाहिए, हमारा कान को बचाना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए। तो दो तरह का साउंड है, ये दोनों साउंड को डिफ्रेंशिएट कराता है, अंतर बताता है, कौन, ईयर। तो लाउड साउंड इसी को कहो अनप्लीजेंट साउंड, एंड सेकेंड इज प्लीजेंट साउंड। यस, एंड नेक्स्ट इज नोज। नोज हेल्प अस टू स्मेल, जितने भी तरह के स्मेल होते हैं, अब इसका भी होगा दो, गुड स्मेल एंड बैड स्मेल। गुड स्मेल, सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल आपकी मम्मी परफ्यूम लगा देती है, आपकी दादी माँ अगरबत्ती जलाती हैं, पाउडर लगाते हो, मम्मी अच्छी डिशेज बनाती है किचन में, तो आता है स्मेल, ये आता है नाइस स्मेल। कैसा आता है, नाइस स्मेल, दैट मीन प्लीजेंट स्मेल, अच्छा लगता है, हलवा मम्मी बनाती है, वाह मजा आ गया। आप अपने बेडरूम से आपको पता चलता है कि मम्मी कुछ स्पेशल बना रही है, खुशबू आ रही है, पकौड़े तलती है, मींस कि एक नाइस स्मेल आता है, मींस खुशबू आती है, और परफ्यूम अच्छी खुशबू आती है, अगर बत्ती जलती है बहुत मजा आता है, खुशबू अच्छी रहती है, बगीचा में जाते हो और ताजा फूल का गंध बहुत सुंदर लगता है, रोज के पौधा के पास जाते हो और कहते हो बहुत सुंदर खुशबू आ रही है, तो दैट मीन यह है नाइस स्मेल। नाइस स्मेल दैट मीन प्लीजेंट स्मेल, जो हम लोग को अच्छा लगता है। और सेकेंड थिंग इज बैड स्मेल। बैड स्मेल दैट मीन, बैड का नाम ही है बेटा, बैड, बैड मीन्स बुरा, बुरा दैट मीन्स, यहाँ बुरा का मतलब अच्छा लगता बुरा लगता नहीं, बैड स्मेल दैट मीन गंदा स्मेल,
सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल जहाँ हम टॉयलेट जाते हैं, अगर टॉयलेट साफ नहीं होता है तो सबसे पहले तुम रोज अपना कवर करते हो। अगर कहीं ओपन नाली है, खुला हुआ नाली है, तो वहाँ हमें गंदगी महसूस जैसे ही हुई, बैड स्मेल आता है, तो हमारा नोज सेंसिटिव होता है उसके लिए, तुरंत हम अपना नाक को हैंकी रखते हैं और कवर कर लेते हैं। तो ये दो तरह के स्मेल को डिफरेंशिएट कराता है कौन? नोज। यस, तो नोज, सबके पास नोज है। और यहाँ पिक्चर देख लीजिए बेटा, कि यहाँ पिक्चर है, अगर बत्ती जल रही है, तो अगर बत्ती जल रही है दैट मीन गुड स्मेल, नाइस स्मेल, प्लीजेंट स्मेल कहिए। और दूसरा डस्टबिन, कचरा, कचरा दैट मीन बैड स्मेल, वहां से गंदगी का स्मेल आएगा। तो हम ये दोनों बोथ आर डिफरेंट। वन फर्स्ट फिगर ये हमें बताता है प्लीजेंट स्मेल के बारे में, अच्छी खुशबू के बारे में, और दूसरा बैड स्मेल। जैसे आप टॉयलेट जाते हैं, अगर वहां बाय द वे गंदा टॉयलेट होगा, तो हम अपने आप जल्दी से क्या करते हैं, अपनी नाक को, नोज को कवर करते हैं, नोज को कवर करते हैं कि बैड स्मेल का जो स्मेल होता है वो बहुत गंदा होता है, वो हमें, हम उसको टॉयलेट नहीं कर पाते हैं। यस, तो ये दोनों स्मेल को डिफरेंशिएट करता है कौन? आवर नोज। आवर नोज हेल्प अस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मेल, एंड डिफरेंट स्मेल दैट मीन गुड स्मेल एंड बैड स्मेल। गुड स्मेल इट इज ऑल्सो कॉल्ड नाइस स्मेल, प्लीजेंट स्मेल एंड अनप्लीजेंट स्मेल दैट मीन बैड स्मेल। आप इसको अच्छी तरह से समझते हैं सभी बच्चे। मम्मी आपको जब पाउडर लगा देती है, क्रीम लगा देती है, जब आपको परफ्यूम लगा देती है, तो आपको अच्छा लगता है, मजा आता है। लेकिन कोई गंदा चीज की महक अगर आ जाए, तो जल्दी से सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? नोज को कवर करना चाहिए। आप स्कूल आते हैं जब, तो आपको हमेशा टीचर बताते हैं कि बेटा आप अपने पॉकेट में हैंकी कवर कीजिए, हैंकी को लेकर आइए। अगर स्नीजिंग हो, कफिंग हो, तो वहां हम लोग हैंकी का प्रयोग करते हैं। दूसरा कि अगर कहीं बैड स्मेल आता है, तो वहां भी हम लोग जल्दी से पॉकेट से निकालेंगे, अपने नोज को कवर करेंगे। तो ये हैबिट हमें अपनाना चाहिए, ये गुड हैबिट है। यस, एंड नेक्स्ट इज टंग। यस, तो नोज, नोज के बारे में, नोज आप बेटा सांस लेते हैं, ब्रीथिंग, आप जानते हो ऑल लिविंग थिंग्स टेक ब्रीथिंग, सांस लेना, सांस। तो अभी हम लोग बेटा सेंस ऑर्गन के बारे में, कुछ सेंस ऑर्गन के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, आईज ईयर के बारे में। मुझे लगता है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेंस ऑर्गन्स के बारे में, जो अभी रेस्ट बाकी है। तो मुझे लगता है कि आप सेंस ऑर्गन के बारे में क्या है और इसका क्या काम होता है, इसको आप समझ गए होंगे। तो आप वीडियो को गौर से देखिएगा, एक बार नहीं, दो बार, तीन बार देखिए, सुनिए ध्यान से और समझिए। बाय द वे, आपको थोड़ी सी भी कहीं प्रॉब्लम लगे कि मुझे यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझसे शेयर करेंगे, आप मुझसे बताएंगे कि मैम यहाँ मुझे समझ में नहीं आ रही है, मैं आपको फिर से समझाऊंगी, बताऊंगी। और हर टॉपिक को ध्यान से, गौर से, आपके पास बुक है, बुक को भी पढ़िए। बाय द वे, अगर किसी के पास बुक ना हो, तो मैं आपको
बुक भी शेयर करूंगी, बुक का पेज शेयर करूंगी, जिससे कि आप उसको पढ़ पाएंगे। तो गौर से हमेशा छोटा छोटा शब्द है, वर्ड है, उसको गौर से देखिए और उसमें जो लगता है कुछ तो आप इजी वे में पढ़ लेते होंगे और कुछ में थोड़ी सी डिफिकल्टी जाएगी, तो उस वर्ड को आप गौर से देखिए और ध्यान से लिखिए और आपको वो समझ में आएगा। तो ठीक है बेटा, नेक्स्ट को हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। बाय।